ਮੈਂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰਮਜੀਤ ਭੁਗਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੀਰ ਹੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋਹਣੇ ਪੈ ਸ਼੍ਰੀ ਉਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋਹਣਿਆਰ ਸਾਧ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਪਾਲ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ मैं जैसे कि आपने देखा मेरे द्वारा जो रचित जो कविता किताबें हैं 6 किताबें मैंने बेगमपुरा सोसाइटी को डोनेट की है। जैसा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, हालांकि मैं नाराज हूँ आपसे, एक महिला को आप बुला रहे हैं उसको आप टाइम नहीं देना चाहते, ये बहुत गलत बात है। हालांकि मैं ये प्यार से प्यार से बात मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि शिक्षा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वह चाहे लॉ की एजुकेशन हो, बिजनेस की एजुकेशन हो, फार्मा हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो, बैंक कर्मचारी, जो भी हमारे जितने भी नहीं प्रोफेसर छोड़ दीजिए, जो भी हमारे प्रोफेसर हैं या जितनी भी हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है जिससे चलता है, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सबके बारे में कहा था। दूसरी चीज मैं आपको जो कहना चाहती हूँ वो 2 लाइनों में बाबा साहब को समर्पित करूंगी। जो अपने लिए जीते हैं, जो अपने लिए जीते हैं वो विक्ट्री को पाते हैं, जो अपने लिए जीते हैं वो विक्ट्री को पाते हैं, जो औरों के लिए जीते हैं वो हिस्ट्री को पाते हैं, जो औरों के लिए जीते हैं वो हिस्ट्री को पाते हैं, ऐसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। मैं उन हमारे सभी साधु संतों का, गुरु रैदास जी का और जय वाल्मीकि सबको सभी का अभिनंदन करते हुए बस 2 लाइनें जरूर कहना चाहूँगी कि बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बातचीत से कि हमें अपने आपसी मनमुटाव बैठकर सुलझाने चाहिए। अगर हमारी किसी भी तरह की कोई भी व्यक्तिगत प्रॉब्लम किसी संस्था से है या फिर किसी व्यक्ति से है, उसका समाधान सिर्फ एक तरह से हो सकता है कि हम बैठकर बातचीत करें। ये महत्वपूर्ण नहीं है मेरा जो मानना है कि किसने कितना क्या किया। हर आदमी की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, सभी बुद्ध नहीं बन सकते, सभी अपना घर बार छोड़ के सड़कों पर नहीं उतर सकते, सबकी अपनी मर्यादाएं हैं और सबकी अपनी कैपेसिटी है। कोई बहुत अच्छा बोल सकता है, कोई बहुत अच्छा कर सकता है, कोई बहुत अच्छा इकट्ठा बैठ के बात करने का प्रयास कर सकता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं, जो गुरु रविदास जी के अनुयायी हैं या जिसकी भी हम आस्था रखते हैं उसके अनुयायी हैं, सभी हम बैठकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलें, कोशिश करें। और आज का जो समय है वह बहुत भयानक है। इसका अनुभव न सिर्फ भारत में बल्कि हमें बहुत सारी जगह पर दिखाई देता है। आज हमें सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो अपने आप से है। हम अपने आप को या तो इतना बड़ा मान चुके हैं कि हमें सारे छोटे नजर आते हैं, या फिर अपने आप को इतना दया बेटा मान चुके हैं कि हम सबके सामने सिर झुकाते हैं। दोनों ही चीज़ें खतरनाक हैं। यही वजह है कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के या हमारे गुरु रैदास जी के बताए हुए मार्ग पर चलने से कतरा रहे हैं।
और उसकी वजह वो यही वजह है कि हमारे आपसी मनमुटाव बहुत ज़्यादा है, इसी का फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। आपको याद होगा जिस दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती थी, ठीक उसी दिन हमारे एक बड़े सूबे के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जितनी भी मेडिकल के कॉलेजेस हैं उसमें एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन बंद कर दिया जाए। और वो न सिर्फ एक घोषणा है बल्कि अध्यादेश लागू कर दिया गया, रिजर्वेशन खत्म कर दिया। हम दो तरह से स्थितियों से जुड़ रहे हैं। एक जो हमें ये लगता है कि आज बाबा साहब की जयंती बहुत धूमधाम से बहुत पूरे वर्ल्ड में मनाई जा रही है, लेकिन दूसरी स्थिति जो है हमारे सामने वो ये कि जो बाबा साहब का मार्ग है उस मार्ग से कहीं ना कहीं भटकाव है, और वो भटकाव हमें इस रूप में भी नजर आता है कि ठीक उसी दिन एक मैंने एग्जाम्पल ये रखा कि उसी दिन रिजर्वेशन बंद कर दी गई और बाकायदा एक्ट के माध्यम से, ये ध्यान रखिएगा, लाभ आया कि रिजर्वेशन बंद प्राइवेट जितने भी कॉलेजेज हैं मेडिकल के। और आपको जानकारी होगी भारत के एजुकेशन, क्योंकि मैं एजुकेशन सिस्टम में इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि भारत के ज़्यादातर मेडिकल कॉलेजेज जो हैं, ज़्यादातर मेडिकल यूनिवर्सिटीज जो हैं वह प्राइवेट है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन के अंडर के एक्ट के अंदर बनी हुई है, वहाँ उन्होंने बाकायदा लाभ लाकर बंद कर दी। दूसरी चीज ये कि आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को एक कोने में तस्वीर के माध्यम से बंद करने जा रहे हैं, और उसका उदाहरण है उसी दिन 14 अप्रैल को जिस दिन हम यूएनएम में बैठ के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 126वीं जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं। भारत के एक बड़े स्टेट में 30 किलो दूध से मूर्ति को नहलाया जाता है। ये ऐसे दौर से हम लोग गुजर रहे हैं कि इन चीज़ों को अगर हम बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो शायद हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सिर्फ जयंती मनाएं, जो सरकारें चाहती हैं, सरकार यही चाहती है कि मनाइए एक दिन, मनाइए जैसे हम दूसरे त्यौहार मनाते हैं, और उसके बाद भूल जाइए, उसके ऊपर बात मत करिए, उसके जो हमारे बीच में जो डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, बालकिन वर्सेज जाटक वर्सेज चमार वर्सेज धानक वर्सेज धोबी वर्सेज नाई, हम सारे के सारे जातियों में अलग अलग समुदाय में बटे रहे। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम जितने भी, मैं एक माफ़ी मांगते हुए आपसे ये कहूँ कि सुबह से जो मैं ये चर्चा सुन रही हूँ यहाँ पे, अगर सिर्फ ये चर्चा जो हम सुन रहे हैं, सिर्फ ये चर्चा भी अगर हम व्यवहार में लेकर आए तो शायद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा सपना हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत हम लोगों की ये है कि हम बोलना जानते हैं लेकिन उसको व्यवहार में नहीं उतारना चाहते। क्या हमारी नज़रें आज भी महिलाओं को उसी नज़रिए से नहीं देखती? आप मुझे बताइए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ क्या महिलाएं आंदोलन में नहीं थी? यही वजह थी कि महात्मा गांधी के साथ जितनी महिलाएं थी उससे कई गुना ज़्यादा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कंधे से कंधे मिलाकर महिलाओं ने काम किया। आज क्या वजह है कि हमारे आंदोलनों में हमें महिलाएं दिखाई नहीं देती? वजह ये है कि हम अपनी महिलाओं को भी चूल्हे चौके तक सीमित करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की शिक्षा वहाँ तक पहुँचे, और उसकी वजह यह है कि हम दोहरा नुकसान कर रहे हैं। आप ये बताइए, जब बच्चा पैदा होता है तो किसके पास रहता है? माँ के पास। और माँ जितना प्रोग्रेसिव होगी, माँ जितना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की शिक्षा को मानने वाली होगी, माँ जितना गुरु रविदास के द्वारा किए गए कार्य को जानने वाली होगी, जिसको पता होगा उनकी कुर्बानियों का, जिनको कबीर को पढ़ा होगा जिस माँ ने, जिन्होंने ज्योतिबा फुले के योगदान को पढ़ा होगा, जिन्होंने सावित्री बाई फुले के योगदान को पढ़ा होगा, वही माँ अपने बच्चों को पढ़ा पाएगी ना। क्या हम सिर्फ हमारे बैठने से, सिर्फ हमारे चर्चा करने से हमारा काम पूरा रहेगा? मुझे लगता है हम ये तो बड़े ऊंची ऊंची कहते हैं कि हमें लाभ खोल देना चाहिए। अरे हमारे घर के कानून को तो संभाल लो आप, अपने घर में, अपने घर में जो हमें जो नया जो जनरेशन पैदा होगी हम कितने दिन जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे। लेकिन जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको तो आप तैयार करने का काम ही नहीं कर रहे। जब तक उसको तैयार करने का काम नहीं होगा, मुझे लगता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना अधूरा रहेगा। ये बेगमपुरा सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, क्या वो सदा रहेंगे? नहीं रहेंगे। आने वाली पीढ़ी उसको काम को देखेगी। जितनी कुर्बानियाँ आप यहाँ बैठ कर दे रहे हैं अपनी, जितने समय को यहाँ लगा रहे हैं आप, जितनी एनर्जी आप लगा रहे हैं, वो सारा का सारा काम कौन देखेगा? आने वाली पीढ़ियाँ। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने यही कहा था कि मैं जो भी अपने समाज के लिए कर रहा हूँ, अगर वो समाज उस काम को मेरे आने वाली पीढ़ियों तक लेकर नहीं जाएगा तो मेरा काम अधूरा रहेगा।
संविधान बनाया, लेकिन अगर उसको आगे ले जाने का काम करना हो तो वो नई पीढ़ी करेगी, आने वाली पीढ़ी करेगी, वो पीढ़ी आपको बताएगी कि वो कितना सम्मान आपको देगी। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमें बाबा साहब भीमराव की जितनी भी शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं में एक जो महत्वपूर्ण शिक्षा वो ये थी कि महिला को सम्मान की नज़र से देखें, महिला को ऐसे मत देखिए कि अगर कोई महिला बाहर निकल के आती है तो वो करेक्टरलेस होगी। ये हमारे दलितों की विडंबना है, यही वजह कि हम बिल्कुल भी बंद कमरे की दीवारों में रहते हैं, हम खिड़की दरवाजे उसके बंद करके रहते हैं। आप जाति व्यवस्था की जो बात करते हैं, वो जाति व्यवस्था कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी विद्यमान है। तो जो बड़े 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 बड़ी हाँकने वाले हैं, क्या वो महिलाओं के नज़रिए को इसी तरीके से देखते हैं? उन महिलाओं को जो आपके बराबर का हिस्सा है, जो आपका पार्टनर है, जो आपके बेटर हाफ है, क्या उसको आप उसी नज़रिए से देखेंगे जो दूसरी महिलाओं को देखते हैं? क्या दूसरी महिलाओं को देखने का नज़रिया आपका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा माता सावित्रीबाई फुले को देखने का नज़रिया है? उस नज़रिए को पैदा करें। जो भी समस्याएं हैं, न सिर्फ भारत की बल्कि विश्व की जो हमारी समस्याएं हैं, वो हमारी आने वाली संतान का बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगे। आज डिजिटलाइजेशन का युग है, आज मार्केटाइजेशन है, आज पूरा विश्व ये देख रहा था कि यूएनओ में जो चर्चा की गई वो किनके द्वारा की गई। मैं मेघपुरा सोसाइटी की बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पूरे विश्व को, भारत हमेशा ऋणी रहेगा आपका, कि उन्होंने पूरे विश्व को ये उपदेश दिया दो मिनट, क्योंकि आपने सबको ज्यादा ज्यादा टाइम दिया। और मैं पढ़ाने वाली हूँ, टीचर तो वैसे भी बहुत बोलता है, मेरा अपना पेशा है, बस जो दूसरे पेशे के लोग तारीफ कर सकते हैं, खुद बता सकते हैं, तो मैं भी तो बताऊँ, दो मिनट दूंगी। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो बेगमपुरा सोसाइटी ने, जो यूएनओ में ये जो दलित मास्क के प्रयास से, जो पूरे आप लोगों के सबके प्रयास से, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 126 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, वो सिर्फ यूएनओ ने नहीं देखी बल्कि पूरे विश्व का ध्यान उसकी तरफ है। हमारे जैसे थोड़े बहुत पढ़ने लिखने वाले लोग भी इसी आलोचना के लिए थे कि क्या हो रहा है, क्या जो वहाँ पर चर्चा हुई वो पूरे विश्व को किस तरीके से लेके जाएगी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण कदम था आपका, मैं सैल्यूट करती हूँ पर्सनली और पूरे भारत की तरफ से कि यूएनओ के लोगों ने, जो आप लोगों ने यूएनओ में सेलिब्रेट किया, ये भारत के इतिहास में एक माइलस्टोन का काम कर रहा है। रियली मतलब मैं बहुत धन्यवादी हूँ इसके लिए। लेकिन साथ ही साथ बस ये रिक्वेस्ट रहेगी कि महिलाओं की भागीदारी, उनकी समस्याओं की, वो भी आनी चाहिए। आप ये मत सोचिए कि मैं ये कह रही हूँ कि हमें भी बुलाया जाना चाहिए। बुलाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो जहाँ यहाँ हम बात बैठ के कर रहे हैं, वहाँ बीच में भी बैठ के कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। हमारी दिक्कत ये बढ़ती जा रही है, हम लोग, हमें मंच चाहिए और मंच पे खड़ा होकर बोलना कि सामने वाले को कुछ नहीं आता, ये सबसे बड़ी विडंबना है। आपको ये कैसे पता है कि दूसरे को कुछ नहीं आता? ये आप नहीं बता सकते ना। हो सकता है दूसरे को आपसे कई गुना ज़्यादा आता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस बात का कभी गुमान नहीं किया। वो जितना पार्लियामेंट में बैठ के बात करते थे, जितना ब्रिटिश काउंसिल में बैठ के बात करते थे, जितना हाउस ऑफ कॉमन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात करते थे, वो उतनी ही बात उन लोगों के बीच में भी जाकर करते थे जो अनपढ़ थे, जो गरीब थे, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, जो हमारी महिलाएं थी उनके बीच में जाकर भी वो उसी तरीके से बात करते थे। उन्होंने कभी इस बात का गुमान नहीं किया कि वो इतनी 21 डिग्रियों के डिग्री धारक हैं। अगर उन्होंने किया होता तो समाज उनके आज इस तरीके से याद नहीं कर रहा होता। ये जो हमारा अहम जो एक तरह से बढ़ता जा रहा है, इसको क्वेश्चन मार्क करने की जरूरत है। यही वजह है कि हम क्रिटिकल नहीं हो पाते, और आलोचना विपक्ष एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सत्ता में रहने वाला है। सत्ता अगर किसी अधिनियम को लागू करती है, सत्ता अगर कोई पॉलिसी बनाती है, तो विपक्ष उसका कितना मजबूत होगा वो नियम उसके ऊपर निर्भर करता है। और यह हमारी विडंबना है कि आज आलोचना कम होती जा रही है, हम तारीफ करने में ज़्यादा लगे हुए हैं, हम एक दूसरे की तारीफ करने में लगे हुए हैं, हम अपनी कमजोरियों को, बजाय कमजोरियों को छुपा कर उसका गुणगान करने के, ग्लोरीफाई करने के, हम उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करके एक बहुत बड़ी चीज़ को छोड़ रहे हैं। और वो अगर गैप बढ़ता गया तो मुझे लगता है कि बाबा साहब ने जो कहा था कि अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, अनपढ़ लोगों ने भी दिया। पढ़ा लिखा वर्ग की जिम्मेदारी है कि वो समाज को एक दिशा दे, लेकिन अहम के साथ नहीं। अगर ये अहम बढ़ता जाएगा
कि एक वाल्मीकि समाज का अगर खड़ा होकर बहुत अच्छा बोल सकता है, एक जाट धान धोपी कुर्मी नाई खड़ा होकर बोल सकता है, तो आप बाबा साहब के विजन के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। और यही चाहते हैं, यही चाहती है आज की सत्ता, यही चाहता है पूरा का पूरा वर्ल्ड ट्रेड कि भारत टुकड़ों में बटा रहे। हमारे जो समुदाय थे, जिस समुदाय का प्रतिनिधित्व किया जाता है, उस समुदाय के बजाय हम जाति के ऊपर बात करें और जाति के ऊपर बात करके उसको ग्लोरीफाई करें। आप मुझे एक बात बताइए, अगर हम आलोचना के क्षेत्र में नहीं उतरे थे और हम सिर्फ तारीफ करते हैं, तो आप ये बताइए कि आप रिजर्वेशन का विरोध करने वाले लोगों का विरोध किस मुंह से कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। मेरा ये अपना मानना है कि अगर एक मंच पे अब सत्ता वाला भी बैठा है और आलोचना वाला भी बैठा है, तो मुझे नहीं लगता कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तरह आप एकदम खुल के उसकी आलोचना कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं कर सकते। आलोचना का भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना डेमोक्रेटिक स्टेट में किसी भी रूलिंग पार्टी का है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये सारी चीज़ें जो हमने आज अभी तक सुनी है, उसको कम से कम व्यवहार में लेकर आए। अगर हम इन चीज़ों को व्यवहार में लेकर आते हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी कोई को भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में अज्ञानता होगी या कोई नहीं जानता होगा।